स्वाति शर्मा और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। किसानों को दिए जाने वाले लिखित प्रस्ताव में सरकार ने मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर जोर दिया है। इन मामलों पर सरकार और किसानों के बीच जो बैठकों में चर्चा हुई है, मैं आपको बता दूं विरोध कर रहे किसानों की क्या क्या है मांगे। आंदोलनकारी किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये तीनों बिल कृषि को निजीकरण करेंगे, इनसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों का ज्यादा फायदा होगा। किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि MSP और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा, इसके लिए चाहे तो सरकार अलग से विधेयक लेकर आ जाए। किसान संगठन बिजली बिल 2020 को लेकर विरोध कर रहे हैं। सरकार बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण कर रही है, जिससे किसानों को सब्सिडी पर या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। खेती का अवशेष जलाने पर किसानों को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। किसान इस प्रावधान को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों को सिर्फ जुर्माना लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा किया जाए। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए राष्ट्रीय खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।